विशाल और मम्मा आ रहे हैं यहाँ पर। यार हंसी आ रही है, इतनी प्यारी लग रही है, तैयार होकर आ रही है। कितना मुश्किल हो पड़ा ना। मेरी तो कमर जाओ टूट गई। पर आ जा विशाल। ये है हमारा कब्रिस्तान। ये हमारा कब्रिस्तान है, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। यही तो होता है हमारा असल घर। असल घर यही तो होता है। यहाँ हम दोस्त बने रहे, लेकिन यहाँ अंधार बहुत है। जी अब हम फ्री होकर आ गए हैं ऊपर। हमने कहा धूप है, चलो धूप लगवा लें। और धूप ना होने के बराबर है, हवा है बहुत ज्यादा। और ये दरख्त कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर सामने पौधे लगे हुए हैं, थोड़ी सी जगह ऐसे फूल वगैरह पौधे वगैरह लगे हुए हैं। ये सिटी का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ। और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, रोज सुबह शाम आ रहे होते हैं। तो जब मैं फ्री होकर ऊपर आती हूँ, जब धूप होती है, अब तो धूप होती ही नहीं है, जब यहाँ धूप होती है तो यहाँ आते हैं, ऊपर बैठते हैं, तो ऊपर आके काम वगैरह करते हैं, सर साफ करना बच्चों का, और धूप सिकवानी हो और सब्जी वगैरह बनानी हो तो फिर मैं ऊपर आके बनाती हूँ। ये सामने घर है, जो ये जो है ये मेरी नंद का घर है और ये उसकी देवरानी का घर है, छोटे छोटे से घर है। हाँ सामने बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये ग्राउंड बना हुआ है कब्रिस्तान के अंदर। यहाँ सुबह शाम बच्चे खड़े रहते हैं, रात को भी आदमी होते हैं यहाँ पर। रौनक वाला कब्रिस्तान है यहाँ पर, आना जाना लगा रह जाए, बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इस कब्रिस्तान में सड़कें निकली हुई हैं, तो वहाँ पर बाइक्स वगैरह तो यहाँ से आते जाते रहते हैं। तो यानी बैठ जा, रोज ना हो दूर फिर ऐसे होगा। हाय गाइस, मैं खड़ी क्यों बनाती हूँ, बैठ के बना, मैंने दो छोड़। ई और देखिए विशाल जी हमारी यहाँ आ गई, ये जगह साफ नहीं की। माशाल्लाह विशाल कितनी प्यारी लग रही है। विशाल क्या दोहा है, कैसे हो कैसे हो? हम तो ठीक है, तुम कैसे हो? विशाल खाने में लगी है अभी, बहुत मसरूफ है। अच्छा तो व्यूअर्स मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि इंसान औलाद को ऐसी तरबियत दे कि हमारे जाने के बाद भी हमारे काम आते रहे। और यहाँ पर मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि सुबह या शाम को जो जुड़े वाले कब्रिस्तान में आना जाना ही रहता है, और ऊपर से ना लोग पढ़ने आते हैं पुराने पास तिलावत वगैरह करने आते हैं कब्रिस्तान, तो उस वक्त मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा, कि आप मैं बता नहीं सकती। तो ना ऐसी तबीयत करनी चाहिए हमारे बच्चों को, वालदैन अपने बच्चों को ऐसी तबीयत दें, ऐसी पढ़ाई दें जैसे कि वो आखिरी तक हमारे साथ रहें, और हमारे जाने के बाद भी हमें ऐसी तारीफ हो कि हमारे जाने के बाद भी हमें। तो जब मैं ऐसे देखती हूँ लोग आ जा रहे होते हैं या बैठे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो मैं अच्छी दिन में दिल से कहती हूँ कि अक्सर कहती रहती हूँ कि अच्छी तबीयत है तो वो आते हैं, याद करते हैं अपने माँ बाप। कोई कोई लोग तो सुबह आते हैं और रात को जाते हैं शाम को, हर जो अक्सर कभी होते हैं जो आते हैं फैमिली बनाकर, तो ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये है कि आना जाना चाहिए। दीदी तुम भी यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है आना, घर में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग इंसान जब कब्रिस्तान ऊपर आए तो कहते हैं ना कि जो कब्रों में होते हैं वो कहते हैं, उन्हें सुनाई देता है, और जो ये पढ़ते हैं उनके उन्हें सुकून मिलता है। तो ऐसे करना चाहिए कि बच्चों को लेकर कब्रिस्तान जाना चाहिए, उनकी रूटीन बनानी चाहिए, हफ्ते बाद जब साथ हैं तो रोज़ ही सुबह फर्स्ट टाइम। और हम ऐसे मसरूफ़ होते हैं कि हमें इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता कि हमें इस तरफ आना है। नाना भी होते थे ना हमें मोटरसाइकिल पे, हाँ बस इनको ले जाते थे। आज आप अपने वालिदैन के कब्रों पर जाएंगे, अपनी औलाद को बताएंगे कि ये ऐसे आना जाना चाहिए, तो आखिर में जब हमारी औलाद होगी तो वो भी आएगी। तो इस बात के साथ मैं कहती चलूँ कि दीनी तालीम जरूरी है, सबसे पहले बच्चों को पुराने पाक की
बताना बहुत बताना चाहिए। 7 साल 8 साल बच्चा हो कुरान पाक को भी कर ले, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सबसे पहले कुरान पाक जरूरी है। और मेरी मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको देखूँ कुरान पाक के साथ, कुरान पाक पढ़ लेंगे उसके बाद मैंने उसका तर्जुमा भी पढ़वाना है। मेरा तो शौक है कुरान पाक तो पढ़ ले, लेकिन उनका मत मायने बताना हो ये भी बहुत कम है। कुरान पाक जब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो तर्जुमा होता है वो शौक होता है डराए हुआ लोग अभी भी आए हुए जी। देख आपका भब्बू भी कर रहा है, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आप भब्बू पी रहे हो मतलब इधर भी एक मदरसा बन रहा है ना, पता नहीं कब बनेगा। ईंटे तो है लेकिन बना रहे नहीं अभी तक। मुझे लगा मस्जिद बन रही है इधर, क्या देखे इस साल का रोना शुरू हो गया। चलो चलो ये कैप पहन लगी, हवा है। पहला कलमा सुना ना, पहला कलमा उधर जा के, उधर जा के मम्मा नजर आ रही है। उमा यहाँ हवा बहुत है, यहाँ हवा बहुत है, देख यहाँ के बाल उड़ रहे हैं देखो। अच्छा तो सर्दियों में ना बच्चे कैप पहन पहन के ना सर ना उनकी जगह से फट जाते हैं, तो मैं इनका रूटीन, मेरी रूटीन है कि मैं उनके जो छुट्टियाँ छुट्टी वगैरह होती है तो मैं सर साफ करती हूँ भी लगाना चाहिए। कुछ मसला करना बालों को बहुत ज्यादा साफ होता है। जाओ ये शाल की चीख बहुत। शाल शाल इधर आओ। शाल बात करती है, अभी से बात करती है, मैं बात करती हूं। हेलो बात करती हूं। चलो चलो अबू ठीक हो तो। ओ हेलो ठीक हो अबू? क्या नाना वो क्या कह रहे हैं? शाल नाना वो क्या कह रहे हैं? कैसी 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 मैं तो आया हैं बंदे लाया हो तो क्या कोई ये तो रोज का आना जाना है ना। आखिर घर तो हमारा यही है, आखिरी घर तो यही है ना, हमने कब्रिस्तान जाना है। और जब यहाँ हम बैठ के ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि आज वहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। वहाँ पर होगी ना आंटी, वहाँ पर होगी। पता नहीं को गुम सूरज की और ये चिड़िया वगैरह ये गुम छुपा हुआ है सूरज। हाँ और उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी इतनी प्यारी लग रहा है सूरज ऐसे। गुम सूरज का व्यू है ये। हम सब का यही फर्ज बनता है कि हम सब अपनी औलाद को दीनी तालीम दें, जिसकी वजह से हमें इस दुनिया से हम तो चले जाएंगे, बाद में फिर जो औलाद होती है उनकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए। माँ बाप को हमेशा याद रखे हूँ और याद रखते भी हैं। बास तो होता है कि भूल जाते हैं, दुनिया में ऐसा ऐसा से हर बात भूल जाता है इंसान, लेकिन तरबियत अच्छी हो औलाद की, तरबियत में कोई भी कमी ना हो, औलाद को बचपन में ही जैसे कि दिया जाए, पहचान दिलवाई जाए, अपने वालिदैन के कब्रों पर जाना चाहिए, तो औलाद को भी ये ज़रूरी लगता है कि हाँ हमारे माँ बाप जाते थे तो हम भी जाएँ। अगर आज हम नहीं जाएंगे, हमें फिक्र नहीं होगी, हम कुरान खानी नहीं करवाएंगे, उनके लिए कुरान ख़त्म नहीं करवाएंगे, उनके नाम पे हम सदका नहीं देंगे,
तो कल को औलाद भी ऐसे ही करेगी। तो हमारा ना मेन मकसद यही है इस दुनिया में आने का, अल्लाह को याद करना और इबादत करना और